आज की रेसिपी है हमारी फिश। मैं बनाने जा रही हूँ इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम मसालों के साथ, बट बनेगी ये बहुत ही टेस्टी। दोस्तों, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसके लिए कोई भी फिश ले सकते हैं। मैंने लिए 1 किलो रोहू। डाला है मैंने इसके अंदर 3 चम्मच ऑलिव ऑयल के और 2 चम्मच शुद्ध घी के। आप चाहें तो इसको सरसों के तेल में या रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं इसको कीटो फ्रेंडली बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको ऑलिव ऑयल और शुद्ध घी लिया है। डाल दिया है मैंने 1 चम्मच सरसों के दाने यानी कि राई के दाने और 1/4 चम्मच हींग। राई के दाने चटकने तक हम इसको पकाएंगे। फ्लेम रखी है मैंने लो। जैसे ही राई के दाने चटकने लगे हम डालेंगे इसके अंदर 2 हरी मिर्च लंबी लंबी कटी हुई बीच से और 8-10 कड़ी पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, एक बार चला लेते हैं। जैसे ही लाल मिर्च हो जाए हम इसके अंदर डाल देंगे 2 प्याज बारीक कटी हुई। अब हम इस प्याज को भुनेंगे जब तक ये हल्की से सुनहरी ना हो जाए। जल्दी सुनहरी करने के लिए मैंने इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है और डाल दिया है 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। चलिए अब इसको हम एक साथ पका लेते हैं जब तक ये लाइट ब्राउन कलर की ना हो जाए। प्याज हमारी 50% हो गई है। हम इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च मतलब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। इन सबको डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच काला नमक भी। अब हम मसालों को रोस्ट करेंगे 1-2 मिनट के लिए इसी प्याज के साथ, ताकि ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। दोस्तों, जब आप मसाला रोस्ट कर रहे होते हो तो क्या होता है कि हमारे मसाले जल जाते हैं, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को रोस्ट करें तो आपके मसाले भी जलेंगे नहीं और आपके मसालों में से तेल भी बहुत जल्दी छूट जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे मसालों में से तेल अलग हो गया है। अब हम उसे मिला रहे हैं 2 टमाटर जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं या आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हम टमाटर को पकाएंगे जब तक तेल अच्छे से अलग ना होने लगे और टमाटर हमारे पक भी जाए। देखिए दोस्तों, हल्का हल्का तेल अलग होने लगा है, बट अभी हमको उसको और पकाना है थोड़ा सा। देखिए हमारा तेल ऊपर तह पे आ गया है और साइड साइड में भी निकल रहा है, मतलब काफ़ी अच्छे से तेल निकल आया है हमारा मसाले में से। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 चम्मच मिल्क क्रीम यानी कि हम जो हमारी दूध की मलाई होती है ना, मैंने वो 2 चम्मच डाले हैं इसके अंदर। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट ये बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। और अगर आप मिल्क क्रीम नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं यानी कि नारियल का दूध। मिक्स कर दिया है, 1 मिनट के लिए पका भी लिया है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं मछली के पीसेस। दोस्तों, कि मैं सारे पीसेस एक साथ डाल रही हूँ, इन पीसेस को डालने के बाद हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि मछली के पीसेस बहुत टेंडर होते हैं यानी बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो हम इसको बहुत कम चलाएंगे। मैंने डाल दिया इसके अंदर 1.5 कप पानी और देखिए मैंने एक बार हल्के हल्के हाथों से हिला दिया है मछली के पीसेस को मसालों के साथ ताकि वो मिक्स हो जाए। बस दोस्तों, अब हम इसको ढक के पकाएंगे करीबन 7-10 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से हमारे फिश की जो पीसेस हैं पक ना जाए। फिश पकाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, ये बिल्कुल भाप से पक जाती हैं फटाफट।
और ये बनाने में भी बहुत आसान होती हैं। बस ठीक से और सही क्वांटिटी का हमको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हमारी फिर तैयार हो गई है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। फिट रहें, स्वस्थ रहें, कनेक्ट रहें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।